तो दोस्तों ये है कीर्तनगर का स्नान घाट और यहाँ पर ये बिल्कुल ताज़ा यहाँ पर पानी स्रोत का पानी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही जो है यहाँ पे अच्छा कार्य यहाँ पे किया गया है नगर पंचायत कीर्तनगर द्वारा। अभी आपको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पर भी ये कार्य शायद कभी ये चल रहा था, ये बहुत अच्छा जो है ये बन रहा था, लेकिन जो है शायद ये प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। ये बहुत अच्छा यहाँ पे अगर बन जाता तो काफ़ी जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट था, हो सकता है भविष्य में इस पर कुछ कार्य हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जी का जो है आजकल पानी जो है कितना निर्मल है, शांत बिल्कुल। तो दोस्तों ये भी जो है एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे बैठने की जो जगह है, अगर कभी आप कीर्तनगर आएँ तो इस जगह पे अगर आप शाम के समय पे आएँ तो बहुत ही जो है यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे आएँ तो कम से कम जो है साफ सफाई ज़रूर रखें दोस्तों। ये बैठने का जो स्थान है बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर गंगा जी का दिखाई देता है, यहाँ से भी दिखाते हैं आपको दूसरी तरफ से। देख सकते हैं आप दोस्तों क्लियर व्यू। तो देख सकते हैं जब तो यहाँ तक जो है पानी आ जाता है दोस्तों बरसात के समय पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि नदी के कृपया नदी के पास ना जाएं, पानी घटता बढ़ता रहता है। ये देखिए बिल्कुल जो है डीप पॉइंट में जो है नदी के ना जाएं बिल्कुल भी। और ये दोस्तों कीर्तनगर का विशाल पुल जो आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। सुबह का समय दोस्तों यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात की वजह से काफ़ी जो डैमेज हो चुकी है, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव रहता है दोस्तों बरसात के समय में। अभी भी पानी बहुत गहरा है यहाँ पर, तो खाली जो है आप यहाँ पर आए तो यहाँ थोड़ा दूरी बनाए रखें नदी से, केवल घूमने के दृष्टि से यहाँ पर आए, नीचे अगर स्नान करने जाते हैं तो यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ नीचे थोड़ा जो है पानी की जो गहराई है वो थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ पर, और इसका अनुमान लगाना भी जो है बहुत कठिन है दोस्तों। तो ये पूरा व्यू जो है नदी का कीर्तनगर स्नान घाट का दोस्तों आपके लिए, सुबह सुबह जो है आप इसका आनंद ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल और त्वाल बंधु जनमंच। धन्यवाद दोस्तों।